हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। स्वागत है आपका हमारी एक और नई क्लास में। हमारे संविधान की सीरीज चल रही थी और उसके अंदर अनुच्छेद 100 तक हो गए थे। भाग एक हमने देखा संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग दो नागरिकता, भाग तीन मूल अधिकार, भाग चार राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग चार के मूल कर्तव्य, भाग पांच संघ चल रहा है और संघ के अंदर हमने पांच भागों में बांटा था। कार्यपालिका, विधायिका, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट और सीएजी। फिर उसके अंदर हमने कार्यपालिका पूरा किया, उसके अंदर हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल पढ़ा था। ये कार्यपालिका हमारा अनुच्छेद 78 तक पूरा हो गया था। फिर आया था अनुच्छेद 79 से लगाकर 122 तक, दो जो था विधायिका यानी कि संसद का भाग, और उसके लिए अनुच्छेद हमारा जो 79 से लगाकर 122 तक है, और 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति आती है। अब उस 79 से 122 में से हमने कर लिया था 79 से लगाकर 88 तक, यानी कि उसको हमने एक सूत्र में बांटा था जो था 10 10 2 4 2 5 और 6 5। पहले 10 लिए थे हमने जो थे 79 से लगाकर 88 तक, फिर 10 लिए थे 89 टू 98 तक, और उसके बाद ये दो लिए थे 99 और 100। अब आज ये चार है जो है 101 से 104 तक। 79 से 88 परिभाषा या साधारण की बात करता है। 79 से लगाकर अपने 89 टू 98, 89 से लगाकर 98 तक है जो बात करता है अपने संसद के अधिकारियों के बारे में, संसद के अधिकारियों के बारे में, जिसमें मैंने राज्यसभा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बताया था। पहले राज्यसभा के बारे में, फिर लोकसभा के बारे में, जो अन्य दो बातें थी वो। फिर 99 और 100 ये कार्य संचालन के बारे में, अब 101 से लगाकर 104 इसमें है संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं, संसद के सदस्यों की अयोग्यता या निरर्हताएं। संविधान की जो बैर एक्ट है उसमें लैंग्वेज लिखी हुई है संविधान के संसद के सदस्यों की निरर्हताएं, निरर्हताएं। इस निरर्हता का मतलब होता है अयोग्यता, सीधी भाषा में होता है अयोग्यता, मतलब वो कब योग्य नहीं होंगे, अयोग्य। निरर्हता उसमें लिखा हुआ है शब्द, इसका मतलब होता है अयोग्यता है, तो हम सीधी भाषा में समझ रहे हैं, तो संसद के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बात करता है अनुच्छेद 1 से लगाकर 101 से 104 तक। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 101 क्या कहता है, थोड़ा सा अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अंदर हमारा है संसद के सदस्यों की अयोग्यता है। मतलब इसका मतलब ये है कब वो अयोग्य होंगे, यानी कि संसद के सदस्य कब नहीं होंगे, कैसा ऐसा कुछ काम कर लेंगे या कुछ ऐसा होगा कि वो अयोग्य कर लेंगे, उसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 101 से 104 तक। अब देखिए अनुच्छेद 101 क्या कहता है, आर्टिकल 101, 101 कहता है कि संसद के सदस्यों की पद रिक्ति के बारे में बात करता है। क्या कहता है, संसद के सदस्यों की पद रिक्ति, अर्थात संसद के सदस्यों का पद रिक्त कब होगा, कैसी परिस्थिति में, कब संसद के सदस्य का जो एक पद होता है, जैसे कोई संसद का एक सदस्य है उसका पद रिक्त कब होगा, इसके बारे में बात करें कर रहा है अनुच्छेद 100, यानी कि पद रिक्त कब माना जाएगा। तो इसमें कुल चार बातें लिखी हुई है। पहली बात कि अगर कोई सदस्य संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुना जाता है,
चुन लिया जाता है, तो ऐसे में वो अपनी इच्छा से किसी एक सदन का सदस्यता त्याग देगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो संसद के द्वारा बनाई हुई विधि के द्वारा किसी एक सदन से उसको उसका पद रिक्त कर दिया जाएगा। पहली बात क्या कहता है, एक बार और सुनिए, कि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है, तो ऐसे में अगर वो खुद संसद किसी संसद के एक सदन की सदस्यता त्याग देता है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं करता है तो संसद के द्वारा बनाई हुई विधि, संसद इसके बारे में कानून बनाया हुआ है लोक प्रतिनिधि, तो संसद के द्वारा बनाए हुए कानून के द्वारा उस व्यक्ति को, उस सदस्य को किसी एक सदन से पद रिक्त उसका कर देंगे, ये बात कहते हैं। फिर दूसरी बात, कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य चुन लिया जाता है और किसी राज्य के विधानमंडल में, चाहे दोनों सदन हो, विधान परिषद और विधानसभा, उन दोनों में से किसी सदन का सदस्य चुन लिया जाता है, तो अगर वो अपनी इच्छा से उस राज्य के विधानमंडल का सदस्यता छोड़ देता है तो ठीक है, अगर नहीं छोड़ता है तो संसद द्वारा बनाई हुई विधि से उसको संसद के किसी भी सदन का वो सदस्य है उससे उसके उसका पद रिक्त माना जाएगा। ये बात करता है, ये कहता है दूसरी बात। पहली बात, अगर संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य है, दोनों का चुन लिया जाता है, तो किसी एक सदन का सदस्यता पद उसका रिक्त कर दिया जाएगा। दूसरी बात कहता है कि संसद और विधानमंडल दोनों में से किसी दोनों का सदस्य चुन लिया गया है तो अपने इच्छा से राज्य विधानमंडल का किसी सदन का सदस्यता छोड़े तो ठीक है, नहीं तो संसद द्वारा बनाई हुई विधि के द्वारा उसका सदन से पद रिक्त कर दिया जाएगा। दूसरी बात। तीसरी बात इसमें यह कहता है कि कोई व्यक्ति अगर अनुच्छेद 102 के तहत, इसमें जो अनुच्छेद 101 की तीसरा पॉइंट है उसमें यह लिखा हुआ है, आगे हम 102 पढ़ेंगे, तो 102 में अयोग्यता दी हुई है, कब कब अयोग्य होगा इसके बारे में बात की हुई है। तो जो ये अनुच्छेद 101 है इसका जो तीसरी लाइन है, तीसरा जो सब क्लोज है उसमें लिखा हुआ है, उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 102 के तहत कोई व्यक्ति अगर अयोग्य होता है या फिर वो अपनी इच्छा से त्याग पत्र देता है और उसका त्याग पत्र सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उसका पद रिक्त माना जाएगा। लेकिन नोट, अगर सभापति पीठासीन अधिकारी यानी कि अगर राज्यसभा में तो सभापति और लोकसभा में तो लोकसभा का अध्यक्ष, अगर सभापति या लोकसभा अध्यक्ष को लगता है या फिर उनके द्वारा बिठाई गई जांच में यह साबित होता है कि जिसने ये त्याग पत्र दिया है वो अपनी मर्जी से नहीं दिया है, अपनी इच्छा से नहीं दिया है, दबावपूर्ण तरीके से दिया है, तो फिर उसका त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये तीसरी बात बताता है। और चौथी बात कहता है कि संसद का कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक संसद की आज्ञा के बिना अगर अनुपस्थित रहता है, अब्सेंट रहता है, तो उसका पद रिक्त कर दिया, मतलब रिक्त कर सकते हैं संसद, उसका पद रिक्त कर सकता है, हो जाएगा नहीं, रिक्त कर सकते हैं संसद ऐसा। लेकिन इसमें भी एक बात है कि 60 दिन की गणना कैसे करेंगे, तो अगर किस बीच अगर वो 60 दिन अनुपस्थित रहता है, उन 60 दिनों के बीच में कोई ऐसा समय है जिसमें सदन है वो सत्रावसित रहा हो, मतलब सत्र में ही नहीं हो, या फिर लगातार 4 दिनों तक स्थगित रहा हो, 4 दिन तक स्थगित रहा हो, वे दिन इसमें काउंट नहीं होंगे, गणना नहीं होगी 60 दिनों में। इनके अलावा 60 दिन होते हैं उनमें अगर वो संसद की आज्ञा के बिना अनुपस्थित रहता है तो संसद से उसकी सदस्यता रिक्त कर दी जाएगी। ये कहता है अनुच्छेद 101। चार बातें कौन सी, अगर दोनों सदनों का सदस्य है तो एक सदन से सदस्यता उसको हटा दी जाएगी। दूसरी बात, संसद का किसी भी सदन का सदस्य और साथ साथ में राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो दोनों में से किसी, तो संसद का सदस्य हटा दिया जाएगा अगर उसने राज्य विधानमंडल का पद नहीं छोड़ा तो। तीसरी बात, अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्यता, अगर वो अयोग्य हो गया है या फिर वो अपनी इच्छा से कोई त्याग पत्र दे दिया है
तो भी उसका पद रिक्त माना जाएगा। और चौथी बात, लगातार 60 दिनों तक अगर वो अनुपस्थित रहता है संसद की आज्ञा के बिना तो उसका पद रिक्त माना जाएगा। ये चार बात कहता है अनुच्छेद 101। फिर आता है अनुच्छेद 102, और अनुच्छेद 102 संसद के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बात करता है। संसद के सदस्यों की अयोग्यता 101 तो कहता है पद रिक्ति के बारे में कि पद रिक्त कब माना जाएगा, और 102 कहता है अयोग्य कब होगा। तो इसमें दो बातें याद रखनी है। पहली बात, मतलब इसमें दो बातें इस प्रकार याद रखनी है। पहली बात लिखी हुई है कि अगर संसद का कोई सदस्य निम्नलिखित कारण से अयोग्य हो जाता है, वो निम्नलिखित कारण कौन कौन से, वो निम्नलिखित कारण कौन से है। तो पहला कारण है कि अगर कोई वो लाभ का पद धारण कर लेता है। तो अब लाभ का पद क्या होता है, लाभ का पद मतलब ये होता है कि कहीं से उसको सैलरी मिल रही है, या फिर उसके द्वारा किसी को सैलरी मिल रही है, या उसके द्वारा किसी को लाभ पहुंच रहा है, या फिर प्रमोशन में अगर वो इसके द्वारा किसी को हो रही है, या कोई बैठक में वो मेन मुख्य भूमिका निभाता हो। लाभ का पद का मतलब ये नहीं है कि उसको पैसे मिल रहे हैं, मतलब किसी को लाभ नहीं पहुंच रहा है, उसको लाभ नहीं पहुंच रहा है कहीं से, वो होता है लाभ का पद। संविधान में इसकी व्याख्या नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेशों में इसकी व्याख्या की गई है, तो कभी डिटेल से चर्चा करेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि संसद का कोई भी सदस्य अयोग्य कब होगा। दो बातें लिखी हुई है, पहली बात तो लिखी हुई है कि निम्नलिखित कारण होंगे तो वो अयोग्य हो गया, और वो कारण कौन से। पहला कारण है कि अगर उसने कोई लाभ का पद धारण कर लिया है। दूसरा है यदि वो व्यक्ति विकृत चित है, और तीसरा है वो दिवालिया या पागल है, और चौथा है उसने अपनी इच्छा से कोई विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली है तो भी उसका पद वो अयोग्य माना जाएगा। और चौथी बात लिखी हुई इसमें, पांचवी बात लिखी हुई है कि संसद द्वारा बनाई हुई कोई विधि के द्वारा अगर अगर वो अयोग्य ठहराया जाता है तो ये कारण होंगे उनके अयोग्यता के। और इसके अंदर दूसरी बात लिखी हुई है कि अनुसूची 10 के तहत कोई व्यक्ति अयोग्य है तो भी वो अयोग्य माना जाएगा। और अनुसूची 10 क्या कहती है, दल बदल। भाई अपने 12 अनुसूची है, उसमें अनुसूची 10 में दल बदल की बात करता है। कोई संसद का या कोई भी सदस्य है वो दल बदल कर लेता है, मतलब जैसे बीजेपी का है और कांग्रेस में चला जाता है, या कोई मतदान हो रहा है बीजेपी का कैंडिडेट है जीत के बीड़े बीजेपी से आया है, वोट कांग्रेस को दे रहा है, तो व्हीप शब्द होता है आप सुना होगा ये कभी, तो व्हीप जारी करके उसको दल बदल, वो दल बदल विरुद्ध कानून है ये, तो इसके तहत अगर उसको अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो भी वो अयोग्य माना जाएगा। ये बात कहता है अनुच्छेद 102। पहली बात एक बार और सुनिए, पहली बात कहता है कि निम्नलिखित कारणों से अगर अयोग्य हो जाता है, निम्नलिखित कारण कौन से हैं कि अगर वो लाभ का पद धारण कर लेता है, अगर वो विकृत चित्त हो जाता है, या वो दिवालिया हो, या उसने विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली हो, या फिर संसद के द्वारा बनाई हुई कोई विधि के द्वारा वो अयोग्य होता है तो उसको अयोग्य माना जाएगा। और दूसरी बात, अगर वो 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य है तो भी वो अयोग्यता उसकी अयोग्यता होगी उस तरह की। 10वीं अनुसूची मतलब दल बदल के तहत अगर वो अयोग्य है तो। फिर आता है अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 103 कहता है, अनुच्छेद 103 इस प्रकार कहता है कि अनुच्छेद 102 के तहत कोई प्रश्नों का निर्णय है तो उसका फैसला राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 102 के तहत कोई प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति करेंगे। अब 102 क्या कहता है, संसद के सदस्यों की अयोग्यता। तो इसमें दो बातें लिखी हुई है, पहली बात संसद के कोई, पहली बात ये लिखी हुई है संसद के कोई सदस्य की अनुच्छेद, ऐसे लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 102 के तहत संसद के कोई सदस्य, कोई संसद का कोई सदस्य अयोग्य हो जाता है या नहीं हो जाता है इसके बारे में कोई प्रश्न है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति लेंगे। और इसमें दूसरी बात यह लिखी हुई है कि
कि राष्ट्रपति निर्णय लेंगे ना तो उससे पूर्व चुनाव आयोग की राय जरूर लेंगे, यानी कि वो चुनाव आयोग की राय के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 103 दो बातें कहता है। पहली बात कहता है कि अनुच्छेद 102 के तहत अगर कोई संसद सदस्य अयोग्य है या अयोग्य नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न उठ गया है, तो इसके बारे में निर्णय राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति निर्णय करने से पहले चुनाव आयोग की राय लेगा वो, और चुनाव आयोग की राय के अनुसार ही कार्य करेगा। ये दो बातें लिखी हुई है अनुच्छेद 103 में। फिर आता है अनुच्छेद 104। अनुच्छेद 104 कहता है अनुच्छेद 104 आपने अनुच्छेद 99 पढ़ा था, उसमें संसद के सदस्यों की शपथ के बारे में था, तो इसमें यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 104 में। मैं ये जोर इसलिए दे रहा हूं कि थोड़ा सा समझिए इसको, कि अनुच्छेद 104 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि कोई सदस्य ने अनुच्छेद 99 के तहत शपथ ले ली है, कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 से पहले अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने से पहले या बाद में वो अयोग्य हो जाता है। अनुच्छेद 104 कहता है कि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने से पहले या बाद में अयोग्य हो जाता है, और उसके बावजूद भी वो संसद में बैठता है और अपना मत देता है, तो फिर उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, और वो जुर्माना होगा ₹500 प्रतिदिन। यानी कि अनुच्छेद 104 कहता है कि कोई व्यक्ति कोई सदस्य अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेता है, ये शपथ लेता है ये क्यों कह रहा है, क्योंकि शपथ लेगा तभी तो सदस्य माना जाएगा, शपथ लेके हस्ताक्षर करेगा तभी संसद का सदस्य माना जाएगा। तो 104 यही कह रहा है कि अनुच्छेद 99 के तहत कोई व्यक्ति ने शपथ ले ली है और शपथ लेने के बाद में वो अयोग्य होता है, यानी कि वो संसद का सदस्य नहीं रहता है, अयोग्य 102 में दिया हुआ है, कोई अयोग्य हो जाता है तो फिर अयोग्य हो जाता है और उसके बाद भी वो संसद में बैठता है और मत देता है अपना, तो फिर उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी और वो पेनल्टी होगी ₹500 प्रतिदिन। ये कहता है अनुच्छेद 104। एक बार शॉर्ट रिवीजन, अनुच्छेद 101 के तहत संसद के पद की रिक्तियों के बारे में बात करता है और उसमें चार बातें लिखी हुई है। पहली बात लिखी हुई है कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, संसद के दोनों सदनों का सदस्य और राज्य विधानमंडल का सदस्य दोनों का साथ में नहीं हो सकता। तीसरी बात, कोई व्यक्ति अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्य हो गया है या फिर उसने अपना त्याग पत्र दे दिया है तो भी वो पद रिक्त माना जाएगा उसका, और कोई व्यक्ति लगातार 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहता है तो भी वो संसद के पद रिक्त माना जाएगा। और फिर आता है अनुच्छेद 102 जिसमें संसद के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बात की हुई है और उसमें दो बातें लिखी हुई है। पहली बात ये लिखी हुई है कि कोई व्यक्ति निम्नलिखित कारणों से अयोग्य हो सकता है, निम्नलिखित कारण में कौन सा है। पहला कारण, अगर उसने लाभ का पद धारण कर लिया हो। दूसरा, अगर वो विकृतचित्त हो। तीसरा, दिवालिया या पागल हो। चौथा, अगर उसने विदेशी नागरिकता अपनी इच्छा से स्वीकार कर ली हो। और पांचवा, संसद द्वारा बनाई हुई विधि के तहत अगर वो अयोग्य हो जाता है तो वो अयोग्य माना जाएगा। और दूसरी बात लिखी हुई है कि अनुसूचित 10 के तहत यानी कि दल बदल कानून के तहत अगर वो अयोग्य है तो भी वो अयोग्यता मानी जाएगी। फिर अनुच्छेद 103 में कहता है कि कोई अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्य है या नहीं है, इसके बारे में कोई प्रश्न उठता है तो इसका फैसला राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति इसके बारे में चुनाव आयोग से राय जरूर लेंगे। फिर अनुच्छेद 104 कहता है कि कोई सदस्य अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने से पहले या बाद में अयोग्य होता है, तो अयोग्य होने के बाद भी अगर वो संसद में बैठता है और अपना मत दे देता है या कोई संसद की कार्यवाही में भाग लेता है तो उसको ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से संसद में पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ये है अनुच्छेद 101 से लगाकर 104। तो हमारे 10 10 2 4 कंप्लीट हो गए, अब 2 5 आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को पसंद करना, अगर लाइक करना अगर पसंद आए तो, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को आप ग्रोथ भी नहीं करवाते हो, व्यूज नहीं आ रहे हैं,
और मैं लगातार क्लास ले रहा हूँ। रेगुलरिटी नहीं बनी रहती है, इसका कारण भी आप व्यूज़ नहीं आते, यही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।